हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था अभिकरण एजेंसी के बारे में और एजेंट के बारे में। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा अभिकर्ता के प्रकार, काइंड्स ऑफ एजेंट। विधि के अनुसार अभिकर्ता विशिष्ट, सामान्य या सार्वभौम होते हैं। जो पहला अभिकर्ता होता है वो विशिष्ट अभिकर्ता होता है, स्पेशल एजेंट जिसको कहते हैं। विशिष्ट अभिकर्ता वह होता है जो कार्य विशेष या संव्यवहार विशेष में मालिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होता है। जैसे एक मकान की बिक्री करने के लिए दलाल, ये विशिष्ट अभिकर्ता की श्रेणी में आता है। और जो दूसरा होता है वो समान अभिकर्ता। समान अभिकर्ता जनरल एजेंट वह होता है जो विशिष्ट प्रकार के व्यापार या वाणिज्य से संबंधित समस्त कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे फर्म से संबंधित समस्त कार्यों को करने के लिए अधिकतर उसका प्रबंधक। जो तीसरा होता है वो सार्वभौम अभिकर्ता, यूनिवर्सल एजेंट, जो अपने मालिक के समस्त व्यापार से संबंधित व्यवहारों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो उसे यूनिवर्सल एजेंट कहते हैं। जो व्यवहार में निम्न प्रकार के अभिकर्ता होते हैं व्यवहारिक रूप से, तो जो चौथा अभिकर्ता होता है वो उप अभिकर्ता होता है, सब एजेंट। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अभिकर्ता द्वारा नियुक्त एवं उसके नियंत्रण में कार्य करता है, उसे उप अभिकर्ता कहते हैं। और जो पांचवा अभिकर्ता होता है वो सह अभिकर्ता होता है, को एजेंट। जब मालिक अपने कार्यों को करने के लिए या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही साथ नियुक्त करता है तो पृथक पृथक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें सह अभिकर्ता कहा जाता है। और जो अब उसके बाद जो है छठा, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट वह होता है जो मालिक की तरफ से वस्तु व क्रय विक्रय यथासंभव अच्छी शर्तों पर करता है तथा अपने कार्यों के बदले कमीशन प्राप्त करता है। वस्तुओं के क्रय के मामले में वह मालिक से उतना ही मूल्य प्राप्त कर सकता है जितने पर उसने खरीदा है। और उसके बाद दोस्तों फिर है उसके बाद दोस्तों है सातवां है, ये भी अभिकर्ता की श्रेणी में आता है, वो दलाल, ब्रोकर। तो ये एक प्रकार का वाणिज्य अभिकर्ता होता है जो दो पक्षकारों, क्रेता व विक्रेता के मध्य संबंध स्थापित करता है। वह अपने मालिक के लिए वस्तुओं के क्रय व विक्रय करने का अधिकार रखता है, वस्तु पर उसका कब्जा नहीं होता। वह अपने नाम से संविदा नहीं कर सकता और ना अपने नाम से वाद ही प्रस्तुत कर सकता है। वह संविदा की शर्तों का उल्लेख करके दोनों पक्षकारों को प्रलेख प्रदान करता है। और दोस्तों उसके बाद जो आठवां है वो है फैक्टर आड़तिया, फैक्टर ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। ये होता है, ये एक ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता होता है जो स्वामी की वस्तुओं पर कब्जा रखकर उपयुक्त समय एवं मूल्य पर उसके विरुद्ध उसके विक्रय का कार्य करता है। वह अपने नाम से वस्तु का विक्रय एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय वाद प्रस्तुत कर सकता है और उसे दलाली प्राप्त करने के लिए वस्तु पर समान धारणाधिकार होता है। वह आवश्यकता पड़ने पर स्वामी को वस्तुओं की प्रत्याभूति पर अग्रिम धन भी दे सकता है, क्योंकि माल उसके अधिकार में होता है। उसके बाद है परिशोधी या प्रत्यापक अभिकर्ता, डल क्रीडर एजेंट। नहीं, इससे पहले यह नीलाम करता है, तो नीलाम करता पहले पढ़ेंगे। उसके ऑक्सीनर, वह व्यक्ति है जो वस्तु की नीलाम द्वारा विक्रय करता है, अर्थात स्वामी अपनी वस्तु को विक्रय करने के लिए उसे नियुक्त करता है, जिसके लिए वह परिश्रमिक पाता है। और नीलामकर्ता दोहरी हैसियत से कार्य करता है, प्रथम दृष्टया वह स्वामी का अभिकर्ता होता है और ऊंची बोली लगाकर हथौड़ा गिरने के समय तक और नीलामी पूर्ण हो जाने के बाद वह क्रेता का अभिकर्ता एजेंट माना जाता है। इसके पहले स्वामी अपने अधिकारों को वापस ले सकता है तथा वह अपने परिश्रमिक के लिए नीलाम की गई वस्तु पर धारणाधिकार रख सकता है।
उसके बाद दोस्तों है परिशोधी या प्रत्यापक अभिकर्ता, डेल क्रेडर एजेंट, ये एजेंट है जिसके कारण वह अतिरिक्त पनिशमेंट प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। परिशोधी या प्रत्यापक अभिकर्ता का दायित्व प्राथमिक न होकर गौण होता है। स्वामी के साथ संविदा करने वाले पक्षकार द्वारा अस्वीकृति किए जाने पर वह स्वयं उत्तरदायित्व होता है। ये दोस्तों ऐसा एजेंट होता है जो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता है। ये एक व्यापारिक अभिकर्ता है जो अतिरिक्त पश्चिमिक लेने के कारण परिशोधी अभिकर्ता कहा जाता है। वह अपने मालिक को यह प्रतिभूति देता है, गारंटी देता है कि तीसरे व्यक्ति जिसके साथ वह स्वामी की तरफ से संविदा कर रहा है उसमें देय धन को पूर्ण रूप से देगा। अगर तीसरा व्यक्ति द्वारा संविदा पालन नहीं करता है तो वह स्वयं उत्तरदायित्व होगा और धन का भुगतान करेगा। और उसके बाद अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा, ये है तो वह व्यक्ति जो विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है प्राप्त वह हो और स्वस्थ चित्त हो अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। और मालिक और स्वामी की अर्हता या योग्यता, ये क्या होता है, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा करने के लिए समझ व्यक्ति ही अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति वयस्क हो और स्वच्छ चित्त हो वह स्वामी होने की योग्यता रखता है। एक अवयस्क और विकृत चित्त वाला अभिकर्ता नियोजित नहीं कर सकता। क्योंकि उसे अभिकर्ता चयन करने की सूझबूझ नहीं रहती तथा उस रूप से गलत व्यक्ति की नियुक्ति की संभावना हमेशा बनी रहती। लेकिन यदि वह अभिकर्ता नियोजित कर दिया जाता है तो न केवल नियोजन ही सुन होगा बल्कि ऐसे नियोजन अभिकर्ता द्वारा किए गए सभी कार्य सुन होंगे जिनका अनुसमर्थन भी नहीं किया जा सकता। और उसके बाद है धारा 185 में अभिकरण के सृजन के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं होता, ये धारा 185 में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।